रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 5, इट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड ऑफ। प्रैक्टिस जोन पे, प्रैक्टिस जोन पे नंबर 16। आई से इट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड ऑफ। स्टूडेंट, इसमें आप देखेंगे, ये आप लोगों ने बुक पर ही करना है विद ब्लू इंक पेन के साथ। और यहाँ पे हम सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट। ये है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ हमने करना है नियरेस्ट टेन। अब टेन को करना है हमने, तो टेन से पहले वन्स होता है, तो हम वन को चेक करेंगे कि हमारे पास जो है वो फाइव हो या मोर देन फाइव हो, तो जो टेन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ दोबारा मैं बताती हूँ आपको कि अगर नियरेस्ट हंड्रेड लेना है हमने, स्टूडेंट्स, अगर हमने नियरेस्ट हंड्रेड देखना है, तो हम क्या करेंगे, हंड्रेड से पहले टेंस आता है, हम टेंस को चेक करेंगे कि वो फाइव हो या मोर देन फाइव हो, तो ये नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह कोई भी नंबर आपने राउंड ऑफ करना है, और नियरेस्ट आपने थाउजेंड अगर करना है, तो आप हंड्रेड को चेक करेंगे कि वो फाइव है या मोर देन फाइव है। अगर लेस देन फाइव होगा तो वो नंबर वैसे ही रहेगा, बाकी सारे डिजिट जो होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे। अब इसको मैं करके आपको एक एक मैं करूँगी, और एक एक आपने खुद करना है, ये बुक पर ही करना है। अच्छा, एक और चीज़, इसमें ये चीज़ शो हो रही है, टेबल देखने से पहले हम ये शो हो रही है कि ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है, क्योंकि उन्होंने थ्री डिजिट के बाद उन्होंने गैप दिया हुआ, तो ये इंटरनेशनल वे ऑफ शो कर रहा है। तो हम इसकी टेबल अगर शो करते हैं, तो ये वंस टेंस जहाँ तक रिक्वायर्ड है हम उतना लिख लेते हैं, वंस टेंस हंड्रेड। अब टेंस जो है हमने इसको चेक करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, तो हम टू को चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स कि टू जो है वो लेस देन फाइव है, तो एट एट ही रहेगा, लेकिन टू जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ए जो है, ये स्क्वेयर जो है वो छोटा है, ये डिजिट बाहर चला जाएगा आपका, टू एट थ्री फोर, देन आपके पास आएगा नाइन एट, एंड ये एट ही रहेगा क्योंकि हमें नियरेस्ट टेन करना था, तो टेन से पहले वंस आता है, वंस जो है वो लेस देन फाइव है, इसलिए टू जो होगा वो जो भी वैल्यू होगी, जो भी डिजिट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, और लेस देन होने की वजह से ये एट एट ही रहेगा। अब इसी तरह आपने खुद करना है, और यहाँ ये देखें कि हमने नियरेस्ट हंड्रेड लेना है, नियरेस्ट हंड्रेड। अब ये फिर वो इंटरनेशनल वे है, अब ये वंस टेंस और हंड्रेड, हंड्रेड तक हम कर लेंगे टेबल नियरेस्ट हंड्रेड। जैसे यहाँ पे हमने नियरेस्ट टेन लिया, तो हमने वंस को चेक किया, इसी तरह अब हमने हंड्रेड को नियरेस्ट करना है, तो हम टेंस को चेक करेंगे। आप यहाँ देखें कि टेंस जो है वो लेस देन फाइव है, यानी फोर है ना, तो फोर जो है वो लेस देन फाइव है, इट मीन्स ये टू टू ही रहेगा, और ये फोर भी ज़ीरो हो जाएगा, वन भी ज़ीरो हो जाएगा। अब हम इसको राइट करेंगे, सिक्स फाइव एट नाइन एंड टू, टू टू ही रहेगा क्योंकि फोर जो है वो लेस देन फाइव है, टू डबल ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमें करना है नियरेस्ट थाउजेंड करना है। अब जो टेबल हम राइट करेंगे वो थाउजेंड तक कर लेंगे, वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड। अब थाउजेंड में आप देखें कि हम बिल्कुल ठीक, शाबाश स्टूडेंट्स, के नियरेस्ट टेन में हमने वंस को देखा, नियरेस्ट हंड्रेड में हमने टेंस को देखा, अब नियरेस्ट थाउजेंड में हम हंड्रेड को देखेंगे। अगर हमारे पास हंड्रेड जो है वो लेस देन फाइव होगा, तो टू टू ही रहेगा, या यहाँ जो भी डिजिट होगा वो सेम रहेगा, और अगर मोर देन फाइव होगा तो फिर ये डिजिट इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये नाइन मिलियन ही रहेगा, 9,172,000। अब यहाँ पे जितने भी मैंने करवाए हैं वो सारे लेस देन हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक
करवा देती हूँ जिसमें हमारे पास जो है वो 5 है या 5 है ये, अगर मोर देन 5 भी होगा तो फिर भी आपने इसी तरह करना है। अब यहाँ पे देखें कि ये 5 है, नियरेस्ट 10 लेना है, ये वंस और टेंस। अब टेंस में हमने वंस को चेक करना है, तो ये 5 है तो इसलिए ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और 5 जो होगा वो 0 हो जाएगा। और इसी तरह आपने स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपने बुक पर ही करना है, बहुत नीटली काम करना है और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।